नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेनू प्रीति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर को देवभूमि उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर एम्स ऋषिकेश में पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया एवं वर्चुअल माध्यम से देशभर के मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में स्थापित करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। देखें हमारी ये रिपोर्ट। विगत 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल के साथ ही देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश और उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी को फैलाने से रोकने के लिए हमारी कड़ी मेहनत और क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ, हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा सकता है। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर 9 मई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आज उत्तराखंड के कई परिवारों के लिए संकट के समय वरदान बनकर सामने आई है, जिससे कई परिवार एक बड़े आर्थिक संकट से उबर पाए हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखें कि आखिर किस प्रकार आज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से उत्तराखंड के परिवार को मदद मिल रही है। देश के हर व्यक्ति तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की थी।
एक साल में सिर्फ 330 रुपए के प्रीमियम पर व्यक्ति को 2,00,000 रुपए तक का बीमा मिल सकता है। क्वार्टरली रिव्यूज हम लोग करते रहते हैं इस योजना के संबंध में, तो उसमें जो लास्ट क्वार्टर का हमारा जून तक का परफॉर्मेंस था उसमें लगभग 17,000 लोगों को इसका लाभ के लिए चिन्हित किया जा चुका है, जिसकी प्रक्रिया करी जा चुकी है। लगभग 1,00,000 लोग से ऊपर लोग, 1,03,000 कुछ लोग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ ले चुके हैं। लगातार इसमें यही प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ करके, जागरूक करके, क्योंकि एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, उसी क्रम में लोगों को मोटिवेट किया जाना, सेंसिटाइज किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वो लोग आगे आए। नैनीताल में 2 लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। दोनों ही परिवारों को जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत तत्काल 2,00,000 रुपए मिले, जिससे उनकी आर्थिक मुश्किलें कुछ कम हुई। 8 दिसंबर 2020 को मेरे फादर जी एक्सपायर हो गए थे, तो 12 दिसंबर को मेरी बहन की सगाई थी, तो जनवरी फरवरी में हो गई थी ऐसे ही। तो पापा ने 330 वाला बीमा योजना प्रधानमंत्री ज्योति बीमा करवाया था, जिससे हमें 2,00,000 की बहुत सुविधाएँ हुई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री करना चाहता हूँ, उसके बाद अपने मैनेजर साहब का करता हूँ, जिन्होंने हमारे बहुत मदद की उस टाइम पे। मैं सबको यही बात बोलना चाहता हूँ कि सब अपनी प्रधानमंत्री बीमा योजना कराएं, क्या पता किसी भी टाइम क्या हो जाए किसी के साथ, किसी को कि ये पता नहीं रहता है। जैसे हमारे साथ, हम ही को कुछ पता ही नहीं चला कि हमारे साथ टाइम उस टाइम क्या हो गया, फिर भी हमारे 2,00,000 से हमारी, मतलब मेरी दीदी की शादी भी हो गई थी, अच्छे धूमधाम से हुई थी, मुझे इतनी से खुशी हो गई थी। मैं सबका आभार प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत EWS और BPL सहित सभी आय वर्ग के लोग बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत बीमा का कवर उसी वर्ष के 1 जून से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मई तक होगा। PM जी बीमा कराई छो 330 को एक साल में कटन जू, और वे हम तो 2,00,000 रुपये मिली था। वैसे मेरी लड़की की शादी भी थोड़ा राहत मिली, मेरे शादी में पैसों से वो मिली था हम तो। प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद करता कि जौन योजना चलाई और गरीबों का लाभ हुई। जिस प्रकार आर्थिक संकट के समय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कई परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में रक्त की कमी के दौरान आपका दिया गया रक्त उस पीड़ित के लिए वरदान बनकर आता है। इसलिए समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। हर साल 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर इस बार देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIVPED में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देखे हमारी ये रिपोर्ट। विगत 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान लोगों को सुरक्षित रक्तदान के संबंध में जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय गोष्ठी भी आयोजित की गई। यहाँ पर आके सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी, अपील भी करना चाहूँगी कि जो स्वैच्छिक रक्तदान आप देखे हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है रक्त की, या ऑपरेशन के समय पे होती है, या कोई गर्भवती महिलाओं की ज़रूरत होती है, तो तुरंत हमें कई चीज़ें जो होती है हम रक्तदान से ही, रक्त को चढ़ा के ही उनों की जान बचा पाते हैं। तो मैं अभी जो आज का शिविर चल रहा है, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है, इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जो है जितना ज़्यादा रक्तदान देंगे, तो ये रक्तदान महादान कहा जाता है, तो इसको जो है इसको चरितार्थ करने का सभी लोग से अपील करते हैं। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्रों व कई अन्य विद्यालयों के छात्रों सहित स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने रक्तदान किया। पहली बार रक्तदान कर रहे छात्रों ने शिविर के आयोजन पर खुशी भी जताई। ब्लड देने से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो ब्लड जो शरीर से निकलता रहता है, न्यू ब्लड बनता है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भी अवसर मिला ब्लड दान करने का,
अगर ब्लड दान करने से किसी की ज़िंदगी बनती है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम आप लोगों के आभारी हैं सर कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे कैंप लगा के मौका दिया। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ सर। डरने वाली कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि रक्तदान सबको करना चाहिए। और रही बात की कमज़ोरी वगैरह की, तो कुछ भी नहीं आती है, हर कोई कर सकता है रक्तदान। भारत एक कृषि पर आधारित देश है जिसकी आधी आबादी किसानी पर निर्भर है। ऐसे में अन्नदाता की परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2018 से किसान सम्मान निधि योजना लागू की है, जिसके तहत हर चौथे महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपये डाले जाते हैं। आज उत्तराखंड के किसानों को भी उनके खाते में हर चौथे महीने 2000 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे में इस योजना को लेकर क्या कहना है देवभूमि के किसानों का, देखें हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है। प्रत्येक चौथे महीने में किसानों के खातों में 2000 रुपये डाले जा रहे हैं। पौड़ी जिले में कोटद्वार के निम्बूचौर क्षेत्र के किसानों को भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। इस समय धान की कटाई चल रही, मंडुआ की कटाई चल रही है और इसके लिए जो है हमको मजदूर लाने पड़ते हैं। जो प्रधानमंत्री किसान निधि मिली उसको हम इस पे खर्च करते हैं। योजना अच्छी है और इससे हमें लाभ है। मजदूर को मजदूरी देने के लिए पैसा होता है, हल के लिए जो भी सामान लाना पड़ता वो लाना पड़ता है। दिक्कतें होती थी, खर्चा नहीं रहता था, कुछ भी चीज़ लेने में परेशानी होती थी और लोगों से कर्ज लेना पड़ता था। सब प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने किसानों का दर्द समझकर उनको यह सम्मान निधि दी है। पहले उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पीएम किसान निधि से सम्मान निधि जो हमें मिला है, शुरू से हमें मतलब बहुत फायदा हुआ। छोटे किसानों को इससे बहुत फायदा हुआ है और छोटे किसानों को जैसे खाद पानी का जो है कि इसमें मतलब हमें बहुत सहूलियत मिली है हमारे। हाँ, मतलब जब से शुरू हुआ है मतलब 8वीं किस्त तक हमारी उसमें आ गए हैं इस योजना के लिए। साहब आज तक तो किसी ने करा है नहीं है, हमें तो मतलब ऐसे योजना से बहुत फायदा हुआ है। छोटे किसान के लिए तो ज़्यादा ही फायदा हुआ है, जिनके पास थे मतलब अपने हल जल के लिए पैसा नहीं था उसमें ये बहुत सहायक हुआ है। हम तो उनके लिए आभारी हैं साहब, उनका धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने मतलब ऐसी स्कीम चलाई है कि छोटे किसानों का भी मतलब बहुत भला हो रहा है इसमें। कुल मिलाकर किसान सम्मान निधि द्वारा किसानों को सम्मान तो मिला ही, साथ ही उनको आर्थिक रूप से भी राहत मिली है। ये दिक्कत बहुत है, मेरे पैसे नहीं था, कुछ काम भी नहीं करते थे हम लोग, ना बिजली ना पानी कुछ नहीं। अब इस पैसे से बहुत फायदा बन हो रहा है जी, सभी के लिए हो रहा है जिनका ये जिनको मिल रहा है पैसा, खाद बीज बिजली पानी को बिल दिया जा रहा है, बहुत फायदा बने है। बहुत अच्छा हाल लगाना है, कोई भी चीज़ हुआ खर्च करना है, कोई भी अच्छी व्यवस्था बना रही है प्रधानमंत्री योजना। हाँ, पहले जो बहुत दिक्कत होती थी, कोई योजना थी नहीं प्रधानमंत्री, अब बहुत अच्छा काम भी चल रहा है और घर का भी खर्च चल रहा है जी। बहुत किसान सम्मान निधि का लाभ देश भर के किसानों के साथ ही उत्तराखंड के किसानों को भी मिल रहा है। उत्तराखंड में हर साल कई युवा सेना के किसी रेजिमेंट में शामिल होकर सेना का हिस्सा बनते हैं और देश सेवा के लिए रात दिन तत्पर रहते हैं। उसमें से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट भी शामिल है। हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का शताब्दी वर्ष लैंसडाउन में धूमधाम से मनाया गया। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के शताब्दी वर्ष पर देखें हमारी खास रिपोर्ट। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन स्थापना की शताब्दी के अवसर पर पिछले दिनों 1 और 2 अक्टूबर को भवानीदत्त जोशी परेड ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई सैन्य अधिकारियों, जवानों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उन सैनिकों को सम्मानित करना था जो 13 सितंबर को अल्मोड़ा से 325 किलोमीटर पैदल चलकर लैंसडाउन पहुंचे। हर 20 से 30 किलोमीटर के बीच में हमारा एक नाइट होल्ड था, जिसमें हमारे टीम के गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के हर अफसर अधिकारी भी हमारे साथ इस टीम का हिस्सा बने। तो हम अल्मोड़ा से निकलते हुए मेरी टीम अल्मोड़ा के कई क्षेत्रों से निकली, जहां पर मेरे टीम को कई स्थानीय लोग और भूतपूर्व सैनिकों ने बहुत ही गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। हमें अपने रेजिमेंट के कई अफसरों से मिलने का मौका भी मिला, जिन्होंने हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया।
उसके अल्मोड़ा स्टेट से निकलने के बाद हम पौड़ी जिले में पहुँचे, जहाँ पर पौड़ी में पहुँचने के बाद मेरी टीम का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया और हम कई स्कूल हमारा स्टॉपेज जो थे वो स्कूलों में थे, तो स्कूलों स्टाफ के द्वारा हमारा भी स्वागत किया गया और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। उसके बाद मेरी टीम दुनाव पहुंची, जहां पर कि सेंट्रल कमांडेंट और एसएम साहब हमारी टीम का हिस्सा बने और हम अपने 1962 के रणबांकुरा महावीर चक्र विजेता जसवंत बाबा के जन्मस्थली भूमि पर पहुँचे, जहाँ पर कमांडेंट साहब के द्वारा रीतलिंग और पुष्पांजलि अर्पित की। वहाँ पर भी हमारा बहुत ही भव्य स्वागत किया गया और आज के दिन हम इस लैंड जोन सेंटर में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर हमारे रेजिमेंट सेंटर के द्वारा मेरी टीम का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। गढ़वाल रेजिमेंट की गौरवशाली गाथा 134 वर्षीय गौरवमयी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रूबरू कराने, उससे प्रेरणा लेने और वर्तमान पीढ़ी को इन परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से गढ़वाल राइफल्स के 30 अधिकारियों और जवानों का दल अल्मोड़ा से 18 दिनों तक लगातार 325 किलोमीटर पैदल चलकर लैंसडाउन पहुंचा। इस अभियान से जवानों में एक नई ऊर्जा भी संचारित हुई। ये कार्रवाई जो है 13 सितंबर को शुरू हुआ और आज समाप्त हुआ 18 दिन का। एक्चुअली ये पूरा प्रयास था हमारा, जिसमें हमने तकरीबन 350 किलोमीटर चले हैं और हमारे पूर्वज जो ने ये कार्रवाई 134 साल पहले किया था, तो उसको हम दोबारा से दोहराने की कोशिश की है हमने। और उपलक्ष्य है हमारी रेजिमेंट की सेंटनरी, रेजिमेंटल सेंटर की सेंटनरी है। आज हमारी रेजिमेंटल सेंटर को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं लैंसडाउन में, तो उसी को मार्क करने के लिए हमने इस इवेंट को किया है। इसके अंदर हर एक हमारी गढ़वाल राइफल्स की जितनी भी बटालियन हैं उन सभी बटालियन के नुमाइंदे हैं और रेजिमेंटल सेंटर के नुमाइंदे हैं। तो टोटल तकरीबन 32-33 लोग हैं जिन्होंने पूरा रास्ता ट्रैवल किया है अल्मोड़ा से लेके यहाँ तक। ये वही मार्ग है जो उस टाइम पे उन्होंने रास्ता लिया था, उसी रास्ते के ऊपर हम आने की कोशिश की है। जितना हमारी हिस्ट्री से हमारे को पता चला, हमने वो सारी जगह जाने की कोशिश की है। कई कई जगह हैं जहाँ पर थोड़ा सा गैप है, तो जो अवेलेबल मार्ग था हमने उसका इस्तेमाल किया। इस अवसर पर रात के समय पर लैंसडाउन सैनिक छावनी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिसे देखने के लिए पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भारी भीड़ थी। एक तरफ जहां गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के शताब्दी वर्ष की धूम रही, तो वहीं दूसरी तरफ आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ट्रैकिंग अभियान का समापन किया गया, जिसमें 75 सैनिकों ने 75 गांव की ट्रैकिंग की। समापन समारोह में एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चों की भागीदारी ने समा बांधा। देखिए हमारी रिपोर्ट। 3 अक्टूबर को अल्मोड़ा के चौखुटिया स्थित भाखली मैदान में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ट्रैकिंग अभियान का समापन किया गया। समापन समारोह कांगो ब्रिगेड की घिंघारी खाल बटालियन की ओर से आयोजित किया गया। समापन समारोह में एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चे और सैनिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया, जिसमें 25 सैनिक स्यालदे ब्लॉक की ओर से, 25 एनसीसी कैडेट्स द्वाराहाट की तरफ से और 25 स्कूली बच्चे चौखुटिया की ओर से एकता की मशाल के साथ 10 किलोमीटर दौड़ते हुए भाखली मैदान में पहुंचे। मैदान में एकता की मशाल को समारोह के मुख्य अतिथि को सौंपा गया। समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन वन प्रभाग ने लोगों में वन एवं वन्य जीव के प्रति प्रेम एवं जागरूकता पैदा करने के लिए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। वन एवं वन्यजीव के प्रति प्रेम एवं जागरूकता पैदा करने के लिए लैंसडाउन वन प्रभाग ने 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर लोगों में वन्य जीव एवं वनों को लेकर विभिन्न प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले हफ्ते में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों के बीच वन और वन्य जीवों के तरफ जागरूक किया जाए।
और उनके बीच एक मैसेज दिया जाए कि आप वन्य और वन्य जीव से प्यार करें और ये वन्य और वन्य जीव आपके हित के लिए हैं, ना कि आपके दुश्मन हैं। कोई भी जानवर, जंगली जानवर, खुद से किसी पे अटैक नहीं करता है। देखिए, इसके लिए काफ़ी सख्त प्राविधान है हमारे भारतीय वन अधिनियम में भी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी। यहाँ तक कि हम लोगों ने ऑनलाइन जो साइट्स हैं जिसपे इस तरीके की चीज़ें बेची जाती हैं, उसको भी हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। लैंसडाउन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज के अंतर्गत अब की बार स्कूली बच्चों को वन एवं वन्य जीवों के महत्व को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ साथ जंगल की सैर कराई गई। बच्चों ने जब जंगल एवं वहां के जीव जंतुओं को नजदीक से देखा तो वह बहुत उत्साहित हुए। जंगल की यात्रा दुगड्डा रेंज की मौड़ाखाल से आरंभ होते हुए नौणी तक रही। बीच रास्ते में बच्चों ने पेड़ पौधे, वनस्पतियां, फूल पत्तियों, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों एवं जीव जंतुओं के दीदार किए। रास्ते में वनाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बच्चों को जंगल में जाते समय सावधानियां, पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के संबंध में जानकारी भी दी। जो ग्रामीण लोग हैं वो हमारा हमेशा सहभागिता हमारे साथ करते हैं, लेकिन इस बार हमने और ज़्यादा बड़े एक मास लेवल पे हमने उनको जोड़ने का प्रयास किया है और लोगों की भावनाओं में उनको जो पोस्ट कोविड के बाद जो स्थिति आई है, ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसको देखते हुए लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह है और उन्होंने ये बात को जरूर अच्छे से समझा है कि किस प्रकार से हमें इनकी सुरक्षा करनी है और वन विभाग का कंधे से कंधे मिलाकर साथ देना है। जब बच्चे जब शुरू में हमारे साथ आ रहे थे तो उनको इतना एक उत्साह था उनके अंदर, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो उनको हमारे स्टाफ ने, हम लोगों ने सिर्फ यही बताना चाहा और हमने कोशिश भी करी है कि उनको ये बताया जाए कि किस प्रकार से हमारे वन्यजीव के अपने प्राकृत आवास में रहते हैं और क्या क्या कैसे हम उनका वन्यजीव प्रबंधन हम किस प्रकार से करते हैं। और बच्चों में एक अलग ही एक उत्साह देखा गया है और उनमें एक उत्साह तो था ही, साथ ही साथ उनके अंदर एक जागरूकता भी पैदा हुई है कि आगे आने वाले समय में हम अपने वनों को और पर्यावरण को और वन्य जीवों को सुरक्षित रखेंगे, उनके द्वारा ये शपथ भी ली गई है। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास देखने आए स्कूली बच्चों में एक अलग सा उत्साह देखा गया जो आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है। जब हम यहाँ आए तो हमने ये देखा कि यहाँ कितना अच्छा वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है, अच्छा है यहाँ का। जब हमने पानी देखा तो बहुत ही ठंडा और साफ, और मतलब हमने यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जिससे हमें कोई मतलब या फिर जानवरों को कोई मतलब तकलीफ हो, जैसे कि प्लास्टिक कुछ नहीं था। यहाँ एकदम साफ था, बहुत ही अच्छी हवा यहाँ चल रही है क्योंकि यहाँ आसपास में बहुत ही पेड़ है तो शुद्ध हवा चल रही है। मतलब अच्छा लगा कि इन यहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग वाले, इन्होंने यहाँ अच्छे से सभी मतलब जो एनिमल्स हैं उनके लिए पानी के लिए तालाब बनाए हैं, तो वो हम उससे अच्छा लगा कि उन्होंने बनाया। हम जानवरों का संरक्षण और पौधों का संरक्षण के बारे में जानने आए हैं और जो वन्य जीव हैं उनको देखने आए हैं कि वो कैसे रहते हैं, पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे जानवरों के लिए एक अलग सा तालाब बनाया है उनके पानी पीने के लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जंगल के बीचों बीच बनाया है। यदि अगर मनुष्य ने इकोसिस्टम में कोई गलती कर दी है तो वो इकोसिस्टम का पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, जो कि हमारे लिए और जो जानवर हैं उनके लिए, वातावरण के लिए हानिकारक है। नौणी के वन विश्राम के परिसर में छात्राओं ने यात्रा को लेकर अपने अपने विचार रखे, साथ ही वन संरक्षण पर आधारित कविता पाठ एवं गीत गाए। आज सर ने हमें वन्य जीवों से बचने के बारे में बताया। उन्होंने हमें ये बताया कि वन को सुरक्षित कैसे रखना है, किसी भी जानवर को नहीं मारना है और पेड़ों की सुरक्षा करनी है, किसी भी पेड़ को नहीं काटना है और पेड़ को काटना इलीगल है। जंगलों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन हमें वनों से मिला है तो इसलिए वन है तो जीवन है। कार्यक्रम के अंत में जंगल की सैर करने आए स्कूली बच्चों के साथ साथ वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वन एवं वन्य जीव संरक्षण शपथ ली। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तराखंड डायरी का ये अंक पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।